નમસ્કાર, હેલો. સૌરાષ્ટ્ર ન્યૂઝમાં હું નિરાલી વ્યાસ આપ દર્શક મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. સૌપ્રથમ જોઈએ આજની હેડલાઇન્સ. રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા 74,000ની જાલી નોટો સાથે 5 આરોપીની ધરપકડ. મોંઘવારી વચ્ચે પણ રાજકોટમાં નવરાત્રિના 25થી વધુ આયોજનો, ચીજ વસ્તુઓમાં 60% વધારો જોવા મળ્યો. એલપીજી સિલિન્ડરની સબસિડી ખાતામાં જમા થવાને બદલે ટલ્લે ચડી. હવે જોઈએ સમાચાર સંપૂર્ણ વિસ્તારથી. આઈપીએ ગુજરાત ચેપ્ટરની ફાઇનલ ક્વિઝ રાઉન્ડ અમદાવાદમાં યોજાઈ હતી, જેમાંથી પ્રથમ પ્રાઇઝ વિજેતા ટીમ 28મીએ મુંબઈ ખાતે 16 વિવિધ આઈપીએ ચેપ્ટર સાથે સ્પર્ધા કરશે, જેમાં 3 વિજેતાઓને ગોલ્ડ, સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ મેડલ સહિત અનુક્રમે યુરોપ, ઇસ્ટ એશિયા અને મિડલ ઇસ્ટ એશિયા ટૂરનું ઇનામ પણ મળશે. અહેવાલ અશ્વિન લિંબાશિયા, અમદાવાદ. इसे इंडियन प्लम्बिंग प्रोफेशनल लीग कहते हैं. हमारा इसमें कर्तव्य है कि प्लम्बिंग जो है एक बहुत इग्नोर्ड सब्जेक्ट है बिल्डिंग इंडस्ट्री में, मगर प्लम्बिंग का टोटल वैल्यू 12-13% होता है एक बिल्डिंग में. तो अगर टोटल बिल्डिंग इंडस्ट्री 1,00,000 करोड़ की है तो प्लम्बिंग इसमें से 13,000 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन करती है. तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन सही करें और हम पानी का बचाव करें. पानी कल के लिए नहीं है, जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं. और इसीलिए हम चाहते हैं कि बिल्डर को भी हम एजुकेट करें, कहाँ हम पानी को सेव कर सकते हैं, पानी को हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं. हम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में बिल्डिंग्स को सर्टिफाई कर रहे हैं जो नेट ज़ीरो हैं. नेट ज़ीरो का मतलब है कि हम पानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से नहीं लेते, हम एनर्जी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से नहीं लेते और हम कुछ वेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं डालते. तो हम ऐसी बिल्डिंगें बना रहे हैं जहां पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, बारिश का पानी हम स्टोर करते हैं, हम लो फ्लो फिक्स्चर्स, ड्यूअल फ्लशिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और हम 50% हमारा पानी ट्रीट करते हैं जो वापस फ्लशिंग, कूलिंग टावर्स और गार्डनिंग के लिए जाता है.